पल्सर बाइक में अगर आप चारों इंडिकेटर को एक साथ जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमें स्विच का ज़रूरत पड़ता है। इस तरीके से एक बटन होना चाहिए जिनके ज़रिए से हम चारों इंडिकेटर को एक साथ जला सकते हैं। जैसे इस तरफ हम करते हैं यहाँ से बटन, या इस बटन को आप ऑन कर कीजिएगा तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं, अभी इसकी जो इंडिकेटर है वो इनकी एक साइड वर्क करता है। ये देखें, अभी एक साइड जल रहा है और यहाँ से हम बटन को इधर करेंगे इस तरफ का जलेगा। हालांकि इसके अंदर बजर भी नहीं है जो टू टू आवाज़ करता है, तो यहाँ पे हम इस बटन को लगा के इसके चारों इंडिकेटर एक साथ जलाएंगे। और वो भी कैसे, तो आपको पूरा फुल डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप एक बटन के ज़रिए से चारों इंडिकेटर को एक साथ जला सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस बटन को पहले यहाँ पर सेटअप करते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको सेटिंग करना है जो कि चारों इंडिकेटर बिल्कुल एक साथ जले। तो यहाँ पे हमने बटन को सेट कर दिया और बटन सेट करने के बाद इसकी वायर को यानी कि यहाँ से आपको कट करना है, यानी कि साइड से यानी कि छिलना है ताकि दोनों तार एक एक 10 इंची के बराबर आपको इस दोनों वायर को इस तरीके से अलग अलग करना है। यहाँ से इस कवर को हम काट के हटा देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद एक वायर इधर और एक वायर उधर, क्योंकि इंडिकेटर की वायर दोनों साइड है। चाहे तो आप वाइजर वगैरह खोलेंगे तो एक साइड एक जगह पे ही आप पा लेंगे, पर इस तरीके में क्या है ज़्यादा हमें आसान पड़ता है, वाइजर खोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम वायर लगाते हैं। वायर लगाने से पहले इस नट को हमें खोल लेना है ताकि इंडिकेटर ये थोड़ा इधर साइड हो जाए और हमें उसकी सॉकेट निकालने में ज़्यादातर आसान हो। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की वायर निकाल के यहाँ पे इस तरीके से कुछ कट करना है, यानी कि इसकी जो कवर होता है उस कवर को आपको थोड़ा कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक में हल्का पीला और एक पूरा ग्रीन मिलता है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इस वायर में हमें थोड़ा कट करके इसकी वायर को यानी कि अटैच करना है। जो हमने स्विच लगाया, बटन लगाया, यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको वाइट कलर यानी कि हल्का मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटिंग करना है। इसकी आपको जो पॉजिटिव वायर है उस वायर में हमें कनेक्शन करना होता है। यह देखिए जो नेगेटिव वायर है, जो अर्थ वाली वायर है इंडिकेटर की, उस वायर में हमें कुछ नहीं करना है। जो पॉजिटिव वायर है जिसमें हमारा करंट सप्लाई होता है उस वायर को आपको छीलना है, दोनों साइड की इंडिकेटर की वायर को। अब यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से जोड़ना है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से आपको जोड़ना है दोनों तरफ इसी तरीके से ज्वाइंट करना है और यहाँ पे टेप लगाना है। यहाँ से इसकी वायर इस तरफ कर लेना है। आपको हमने जो इसी सेटिंग किया वो यानी कि सेटिंग किस तरीके से किया, इसकी जो प्लस वाला वायर होता है इंडिकेटर का, इंडिकेटर का जो प्लस वायर होता है जो पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव हो गया जो कि बॉडी से अर्थ होता है, तो उसमें आपको ज्वाइंट नहीं करना है। जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है जिसमें यानी कि 12 वोल्ट करंट आता है सप्लाई, उसमें आपको एक वायर इधर इस तरफ
इसकी वायर में और एक तरफ इसकी वायर में, दोनों यानी कि प्लस वाला वायर में आपको इसका दो जो तार होता है इसमें, इन दोनों तारों में से एक तार इसकी प्लस वाला में जोड़ना है, एक तार इसके प्लस वाले में जोड़ना है। इतना जोड़ने के बाद फाइनली आपकी जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और आपको कहीं पर भी आप चाहे इस बटन को सेटअप कर सकते हैं, चाहे इधर या उधर कहीं पर भी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बटन को थोड़ा इधर से हम इस वायर को थोड़ा अच्छी तरीके से सेटिंग करेंगे और ताकि यहाँ से खिंचाए उचाए ना, और कभी ऐसा भी होता है खींचने के कारण से वहाँ से टूट जाता है, शॉर्ट भी कर सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे बेहतर होता है कि हम इस तरीके से काम करें। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको चेक करके, यहाँ से हमारी इग्निशन ऑन है और यहाँ से अभी बटन ऑफ है। इस बटन को आपको इसका सिस्टम देखे क्या हुआ, यहाँ से जैसे ये ऑफ रहेगा तो यहाँ से अगर आप जलाएंगे तो ये एक तरफ का जलेगा, देखिए इस तरफ हमने लिया ये एक तरफ की जलेगी, ये वाला नहीं जल रहा है अभी, और इधर करेंगे तो इस तरफ का जलेगा इस तरीके से। और ये अगर ऑन रहता है यहाँ से, जैसे मान के चले हमने इसे बंद कर दिया, अब कहीं का भी नहीं जल रहा है, यहाँ से आपको ऑन करना है। ऐसा नहीं ऑन करने के बाद हमारा चारों जलने लगेगा, वो नहीं होगा। यहाँ पर देखें आप, ये भी बंद है, ये भी बंद है और पीछे के भी बंद है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसे चाहे इस तरफ करें या इस तरफ करें, तो यानी कि इस तरफ करने के बाद ये चारों बिलिंग करेगी ऐसे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखें, एक तो ये साइड का जल रहा है, फिर यहाँ पे भी जल रहा है, ये दोनों देखें, दोनों जल रहा है। और पीछे से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखें ये दोनों जल रहा है, तो चारों यानी कि एक जैसा यानी कि जल रहा है, जिस तरीके से बिलिंग करना चाहिए उसी तरीके से सेम। यहाँ से भी देखिए आप, अब यहाँ से क्या करना, मान के चलिए हमें एक इंडिकेटर जलाना है तो इसे आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद ये एक तरफ का ही जलेगा, ये देखें एक तरफ का ही जल रहा है, ये वाला नहीं जल रहा। अब यहाँ से इस बटन को हम ऑन करेंगे, इस बटन को ये देखें, अब ये दोनों तरफ का जलेगा। इस तरीके से इसका सिस्टम होता है।